हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास CT 100 आया है, पल्टीना है। इस गाड़ी में भी इस तरह का इंजन है, ओल्ड मॉडल है। मान के चलो 2000 से लेके आपके 10 के आसपास जो भी गाड़ी इस तरह की है, तो उसमें आप करने वाले क्या हो कि इसकी चार्जिंग की समस्या है, तो चार्जिंग की समस्या हम दूर करने वाले हैं। तो कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर, सब कुछ ठीक है। तो इसमें दो प्रयत्न अपने करने हैं कि इसमें दिक्कत ना आए कहीं और भी, कि चार्जिंग की या हॉर्न की आपको। तो हम करने वाले क्या हैं इसमें, एक तो दो तीन चीज़ें चेंज करेंगे। देखिए, तो हमने सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए, ये अपनी बैटरी है। हमने कुछ इस तरह से इसमें फिट करी हुई है, तो देसी बैटरी है, कोई बढ़िया बैटरी नहीं है। तो करना क्या है सबसे पहले आपने, ये देखिए, तो हम इस तार को थोड़ा सा बाहर को निकाल लेते हैं। तो कपड़ा ले लूँ, थोड़ा सा साफ करके दिखाता हूँ। कपड़ा और ब्रश ले लिया है हमने, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐसे से मार देंगे ब्रश को, तो अच्छे से आपको दिखा देंगे। तो क्या क्या करना है, आपके पास ऐसी बाइक है जहाँ मिस्त्री भाई हो आप, दिक्कत आ जाती है, पर्सनल गाड़ी है, कुछ भी है, तो आपने करना क्या है इसमें, देखिए हमने साफ कर दिया इसको सबसे पहले। तो देखिए इसमें हमने, ये अर्थ वाली वायर है इसकी, थोड़ी लूज़ है, तो हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे बाद में। आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये हमने गाड़ी में करके छोड़ा हुआ है सब कुछ, तो मेरे को लगा वीडियो आपको भी दिखाना चाहिए, आपको आपके लिए बनाना चाहिए, तो हमने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए सब कुछ करना वही है, सेम चीज़ इसमें पुरानी आपको दिखा देता हूँ। एक तरह की इसमें इस तरह की बैटरी होती है, तो हमने वो निकाल के हमने इसमें कुछ नए मॉडल की बैटरी इंस्टॉल की हुई है। तो इसमें कुछ इस तरह की बैटरी होती है, ठीक है जी, नई बैटरी कुछ इसमें इस तरह की होती है, तो हम इस तरह की नहीं लगाते हैं कि ये इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो इस तरह की बैटरी होती है इसके अंदर। तो हमने वो निकाल दी है, निकाल के हमने टेढ़ा करके इसमें इस तरह की नए मॉडल की 4 एम्पेयर की बैटरी लगा दी है। तो चाहे डेड हो चाहे बढ़िया हो, आपके आपके डिपेंड करता है आपने कौन सी लगानी है, ठीक है भैया। तो करना क्या है इसमें, सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है। इसकी चार्जिंग इस बैटरी के मुकाबले ये ज़्यादा चार्जिंग लेती है, ये बैटरी इसके मुकाबले ये वाली ज़्यादा लेती है। तो करना क्या, हमने ये बैटरी नहीं लगाना, इस तरह की बैटरी इंस्टॉल कर लेना इसके अंदर। तो ऊपर से देखिए हम ये दिखा रहे हैं आपको, तो ये 12 बोल्ट का इसके अंदर पहले ही शॉकेट लगा रहता है, जो भी इसमें आप बोल दो, कॉयल बोल दो, कॉयल प्लेट में लगा रहता है सब कुछ। तो हमने करना क्या है, ये देखिए मैं इस शॉकेट को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, हाँ देखिए इसको हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया, अभी इसको उल्टा घुमा लूँ, तो देखिए ये ठीक है भैया। तो थोड़ा सा हम और इसको पीछे कर लेते हैं, ये देखिए पीछे कर लिया है। तो ऊपर से इस वाले को भी पीछे कर लेते हैं, दूसरे वाले को भी, काफ़ी दिक्कत हो रही है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये देखिए और पीछे कर लो। आपको वीडियो अच्छे से दिखा दूं कि कहीं दिक्कत ना आ जाए यार, पूरा बढ़िया से आपका भी काम हो। तो देखिए ये हमने इसमें जुगाड़ किया हुआ है, इसके अंदर पीली वायर आती है, ये देखिए पीली वायर आ गया है, तो इसमें हमने जोड़ लगा दिया है। जोड़ लगाने के बाद किया क्या है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे इसका माइनस है, यहाँ पे इसका प्लस है, ठीक है भैया, इसके नीचे आ गया, ये प्लस है इसके अंदर। तो देखिए हमने किया क्या, डायरेक्ट किया हुआ है, देखिए सब कुछ कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से निकाला हुआ है हमने, कि शॉकेट में पानी ना लगे, इसलिए थोड़ा उसके बीच में से निकाल के किया है। तो हम इसकी थोड़ी टेप उतार देते हैं, ये मेरे पास काफ़ी सालों से चल रहा है, मेरे हिसाब से इसमें 7-8 साल हो गए एक ही बैटरी चल रही है, अब भी एकदम बढ़िया चलती है, तो कुछ भी नहीं है। ये जो ये वायर आती है ना, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 16 बोल्ट तक करंट आता है, इससे ज़्यादा नहीं, 16 बोल्ट तक करंट आता है, इसके ज़्यादा नहीं। जब 16 बोल्ट के ऊपर आएगा करंट, तो बैटरी अब्जॉर्ब कर लेती है, बैटरी अब्जॉर्ब कर लेती है, और बकायदा इसके अंदर भी 12 बोल्ट का ही एसी कॉयल प्लेट में एक कॉयल लगा हुआ है, ठीक है भैया। तो हमने किया क्या है, उसके अलावा हमने इसमें कुछ और जुगाड़ कर दिया है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, हमने इसके अंदर लगा दिया एक डायोड, ठीक है भैया। तो डायोड की पोजिशन है जो हमने, इसका करंट उधर से इधर को आ रहा है, तो किया क्या है हमने, देखिए यहाँ से घूमा करंट, यहाँ से आई तार, ये देखिए यहाँ से घूमा करंट, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से
इधर को घुमा दिया, इधर से घुमा के सीधा इसके अंदर दे दिया। फिर से मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मिट गया है, इसको साफ़ करना थोड़ा दिक्कत होगा मेरे को लग रहा है, एक बार साफ करके देख लेते हैं, बात बन जाए तो बढ़िया है, नहीं आपको दूसरे वाला मैं दिखा देता हूँ। कई बार कई भाई बोलते हैं आपने कुछ इसमें मिस्टेक किया है, तो जो हमारे को नहीं दिखाना चाहते आप लोग, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है, तो साफ़ किया है, बात बन नहीं रही है इसके अंदर, है ना। तो थोड़ा सा और घुमा के देख लें कहीं पे कुछ दिख जाए, नहीं दिख रहा है, इसका उतर गया मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा दिखा देते हैं जो इसमें अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखिए, तो हमने कुछ इस तरह से इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, ये कुछ पावर के हिसाब से मिलते हैं आपको, डायोड होते हैं ये जो इन जनरेटरों में फिट होते हैं, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, कहीं पे कोई भी पावर का हो। इसका काम ये होता है कि करंट एक साइड से दूसरी तरफ जाना देना, दूसरी तरफ से इधर नहीं आने देना। इसकी डायरेक्शन देखिए इस तरह से है, ये यहाँ से करंट उधर को जाएगा, यहाँ से करंट उधर को जाएगा, जहाँ ग्रे वाला करंट है ना, ये वाला ग्रे वाली यहाँ पे पेंट किया हुआ है, जब वाइट लगा लो, इस तरफ करंट आएगा, यहाँ से इधर नहीं आएगा, बैक नहीं आएगा यहाँ से। तो इसका काम इतना ही होता है। तो हमने कुछ इसको इस तरह से फिट किया हुआ है, देखिए ये इस तरह से फिट किया हुआ है हमने, इसमें करंट देखिए, वायर देख पा रहे हो आप पूरा अच्छे से किया गया है, देखिए वहाँ से सीधा ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है भैया, आप भी लगा दीजिए तो आपकी बैटरी की समस्या दूर होने वाली है। इसमें चार्जर भी ज़रूरी है साथ में, चार्जर क्या अलग से काम होता है, इसका अलग से काम होता है, ये ओवर चार्जिंग वाला काम है ये, इसमें खराबी कुछ भी नहीं है। मेरे को 8 साल से तकरीबन, हाँ 8 साल हो ही गए हैं, तो हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। इसमें LED भी लगा रखा है, LED में भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी नहीं भी होगी फिर भी LED बहुत बढ़िया काम करती है इसके अंदर। तो ये थी समस्या इन गाड़ियों के लिए। दूसरी गाड़ियों के लिए और कुछ हम लेके आते रहते हैं वीडियो बना के, आपको कोई दिक्कत आ रही है आप हमारे को कमेंट में मैसेज कर दीजिए, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, हो सकता है हम आपके लिए उसके रिलेटेड वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करें चैनल पे, जहाँ आपको अलग से शेयर कर देंगे। तो भाई यहाँ तक था ये चार्जिंग की समस्या, जो आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो आगे भेज देना कस्टमर अपने मिस्त्री भाइयों को भी, जो इस गाड़ी में फंस जाते हैं, जहाँ आपकी गाड़ी है आप फंसे हुए हो अलग अलग मिस्त्रियों के पास जा करके, तो ये कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक दुकान से, जो रिपेयर करता है भाई, TV वाला हो या कोई भी जनरेटर वाला हो, उसी के पास भी चले जाइए यार, आपको ये मिल जाएगा इजीली। इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जाना है भैया, कहीं आप चले जाओ करेने वाले के पास, वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो भाई वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना, वीडियो सेव करके भी रख लेना, कई बार आपके पास कस्टमर आ जाता है तो ये दिक्कत आती है, तो आप ये करके थोड़ी आपको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से। धन्यवाद भाई सबका, थैंक यू।